इस समस्त पृथ्वी पर पहली बार किसी अवतार को अगर फोटो निकाल लिया गया हो कैमरा पर, तो वो प्रथम अवतार रामकृष्ण परमहंस हैं। बाबा जी के कई चमत्कार हैं, लेकिन उन चमत्कारों से अभिभूत होकर के नहीं, बाबा जी जो संदेश देना चाहते हैं वो क्या है? वो आध्यात्मिकता है। स्वामी जी, महाअवतार बाबा जी के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, नमो नारायण। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज, क्वेश्चंस, जिज्ञासाएं मिलती रहती हैं, और जितना संभव है मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। महाअवतार बाबा के लिए अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, मिडल ईस्ट, दुनिया भर से जो भक्त जुड़े हुए हैं उन्होंने जिज्ञासा की, क्योंकि वो जानते हैं कि जब हमने पिछले दिनों एक लाइव गीता महाअवतार बाबा की प्रसादी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर प्रवचन शुरू किए, तो तीसरे दिन से ही उस प्रवचन को हमें रोक देना पड़ा था। और मुझे आज उतने दिनों के बाद आपके सामने ये बोलने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि वो प्रसारण रोकने का मात्र और मात्र कारण था महाअवतार बाबा जी ने जब स्वयं कह दिया कि अब इसको रोक दो, तो हमें बिल्कुल एक सेकंड गवाए बिना उसको रोकना पड़ा। महाअवतार बाबा जी के आज के जो हम चर्चा कर रहे हैं ये उनकी आज्ञा लेकर के मैं कर रहा हूँ, क्योंकि महाअवतार जी की आज्ञा के बिना हम भक्त तो ऐसा मानते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता है, तो प्रश्न ही नहीं उठता कि हम मर्जी से। वो गीता महाप्रसाद भी उनका जो कहना था कि स्थान से करना है, और मैं किसी और स्थान से उसको अपडेट कर रहा था, तो उन्होंने उसको रुकवा दिया। आगे चल करके फिर गीताजी पे तो महाप्रसाद आएगा ही अवतार बाबा जी का, लेकिन महाअवतार बाबा जी जो है उनके विषय में आपने जितना सुना है, जितना जाना है, कुछ लोग उनको 500, 700, 1000, 2000 साल, 5000 साल, तो जैसे भक्त वैसी बातें होती है। भगवान जो है वो भक्त के स्वरूप के अनुसार, भक्त की चाहत के अनुसार अपना स्वरूप लेते हैं। महाअवतार बाबा जो हैं वो कई बार अपने स्वरूप को भी भक्तों के चाहत के अनुसार ही लेते हैं। कहीं वो हेड़ाखान बाबा के स्वरूप में भी बनते हैं, कहीं वो किसी और रूप में भी बनते हैं, कहीं वो जाहिर होते भी हैं, कहीं नहीं भी होते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन करके आपको आश्चर्य भी होगा कि महाअवतार बाबा जी की असली तस्वीर जो है, एक्चुअल फोटो, वो पृथ्वी पर है, लेकिन महाअवतार बाबा जी के ही आदेश के अनुसार उस तस्वीर को 150 साल तक रिलीज नहीं किया गया। मैं ये जो आपको बात कह रहा हूँ आप उसको वेरीफाई कर लेंगे तो वेरीफाई भी हो जाएगी। जी, मैं बात कर रहा हूँ अपनी परंपरा, अपनी कुल गुरु की परंपराओं से, रामकृष्ण परमहंस जी के माध्यम से भी बता रहा हूँ। इस धरा पर, इस समस्त पृथ्वी पर पहली बार किसी अवतार को अगर फोटो निकाल लिया गया हो कैमरा पर, तो वो प्रथम अवतार रामकृष्ण परमहंस हैं। 1884 के आसपास उनकी ये फोटो निकाली गई होगी, 1882-84 के आसपास ये फोटो निकाली गई। और उस फोटो की भी बड़ी लंबी कहानी है कि उन दोनों जो वो फोटो निकलती थी वो कांच पे मसाला लगा करके फोटो निकाली जाती थी, आज की टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी। और इस पर मैं विशेष एपिसोड बनाऊंगा कि रामकृष्ण परमहंस की जो वो फोटो निकाली गई थी वो दो फोटो निकाली गई थी। आज जो पृथ्वी पर एक फोटो हम देखते हैं जिसकी घर घर में पूजा होती है वो एक फोटो है, लेकिन उसके कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले जो पहली फोटो निकाली गई थी उस फोटो की कहानी भी है, और वो फोटो आज भी है, और वो कनाडा के रामकृष्ण मिशन के अंदर है। और स्वामी परमाथानंद जी ने उस तस्वीर की पूरी मुझे कहानी बताई थी, मैं उस पर आऊँगा भी। लेकिन आज चूंकि हम महाअवतार बाबा की बात कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी के जब आप वचनामृत को पढ़ते हैं जो मास्टर महाशय द्वारा लिखा गया है, तो मास्टर महाशय वही लिखते हैं बारंबार, वो कहते हैं कि ठाकुर ने मुझे बताया, या ठाकुर ऐसा कर रहे हैं, या ठाकुर बता रहे हैं। उसको आधार बना करके उस वक्त ऐसा लिखा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी का जो जन्म हुआ कामारपुर में, बंगाल का ये गांव है, तो कोई दिव्य रोशनी उनके माँ के, रामकृष्ण परमहंस जी की माता जी के गर्भ में प्रवेश करती हैं। कुछ जो रामकृष्ण परमहंस जी के सीधे आश्रम में न जुड़ करके उस समय भी समांतर व्यवस्था में चल रहे थे गृहस्थी भक्त, उन्होंने कई जगहों पर इस चीज का अलग से उल्लेख किया। महाअवतार बाबा तो मैं कहता हूं अगर हम साइंटिफिकली भी उसको बात करने जाएंगे तो आप मान के चलो कि चाणक्य, जिसको हम इस भारत देश के अखंड भारत का पूरा कर्ता धर्ता मानते हैं, तो चाणक्य जी का भी महाअवतार बाबा जी से कृपा प्राप्त हैं, वहां से स्टार्ट हो सकता है।
योगानंद परमहंस जो गुरु परंपरा के अंदर आते हैं लाहिरी महाशय युक्तेश्वर गिरी जी की, वो अपने पूजा स्थलों में आप देखते हो जीसस को रखते हैं। तो ऐसा महाअवतार बाबा जी के परिवार में, हमारे परिवार में ऐसा माना जाता है कि जीसस भी महाअवतार बाबा जी द्वारा कृपा प्राप्त हैं। ये 2000 साल पुरानी बात हो गई। शंकराचार्य जी भी महाअवतार बाबा जी से संपर्क है उनका, ये 2500 साल पुरानी बात हो गई। व्यास जी तो उस परंपरा के निर्वाह करने वाले ऋषि हैं, ये हजारों साल की परंपरा हो गई। और अगर मैं इस परंपरा को और बताता जाऊं आपको कि कौन कौन महाअवतार बाबा जी के साथ संपर्क में आए, महाअवतार बाबा जी ने उनको गाइड किया, तो वो चाणक्य हो सकते हैं, शंकराचार्य हैं, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, शिरडी के साईं बाबा हैं, स्वामी समर्थ रामदास जी हैं, सत्य साईं बाबा हैं, रमण महर्षि हैं और ओशो रजनीश भी रहे। लेकिन बाबा जी के आदेश के बिना ये चीज़ हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। बाबा जी जब भी कहते हैं उनके किसी भी बात का हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फोटो में हो चाहे ये हो। यहाँ तक कि जब मैं कहता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस स्वयं बाबा जी के अवतार हैं, वही उनकी जो तस्वीर आप देखते हो, ये आप वेरीफाई कर लेना वचनामृत के अंदर, वो कहते हैं कि अब इस तस्वीर को तुम देख लो, आने वाले 150 सालों के अंदर, 150 वर्षों के बाद इसकी घर घर में पूजा होगी। उस तस्वीर को निकले हुए अब 150 साल हो चुके हैं। तो जो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, इसके पहले किसी ने भी इस परंपरा में आकर के ये दावा नहीं किया, नहीं इस तरह की कोई जानकारी दी। लेकिन अब चूंकि बहुत आप लोगों की जिज्ञासा थी कि इसके आगे हमें चलना चाहिए, तो पूरे विश्व में जैसे मैंने कहा कि महाअवतार बाबा जी 27 लोगों को चिन्हित करते हैं, हर समय वो पृथ्वी पर होते हैं, और 27 जो लोग होते हैं वो आपस में मिले न मिले लेकिन महाअवतार बाबा जी के संपर्क में होते हैं। दक्षिण में श्री माँ है इस समय जो महाअवतार बाबा जी से मिले हैं, आचार्य राम शर्मा महाअवतार बाबा जी से मिले हुए, ऐसे बहुत बड़ी फरहस्त हो जाएगी। विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य होने के बावजूद देखो माया कहाँ खेल खेलती है। वो गाजीपुर में आते हैं और पवनहारी बाबा से मिलते हैं, और ये इंसिडेंट बहुत प्यारा है कि जब स्वामी विवेकानंद जी पवनहारी बाबा से मिलते हैं तो उन समय पवनहारी बाबा कुटिया के अंदर जो है साधना करते हैं और किसी से मिलते नहीं हैं। पवनहारी बाबा के छोटे भाई उनका संदेश चिट के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं, और एक छोटा सा बस हाथ जा सके या थाली जा सके उतना भोजन की व्यवस्था रख करके बाकी पूरा उनका जो आश्रम है या मकान है बंद कर दिया जाता था। विवेकानंद जी उनसे उतने अभिभूत हो जाते हैं कि एक क्षण के लिए उनके मन में आ जाता है कि मैं पवनहारी बाबा को अपना गुरु बनाऊंगा। अब देखो गुरु जो होते हैं वो बिल्कुल, गुरु एक तत्व स्वरूप है, गुरु कोई शरीर में मत लेना, गुरु कोई ABC XYZ नहीं है, गुरु जो है वो तत्व स्वरूप है, और गुरु जानता है कि मेरा शिष्य कहाँ है और कौन मेरा शिष्य होगा कौन मेरा शिष्य नहीं होगा। तो जब पवनहारी बाबा के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती है कि मैं इनको गुरु बनाऊं, तब पवनहारी बाबा उन पर गुस्सा करके उनको लौटा देते हैं। क्यों? क्योंकि पवनहारी बाबा भी बाबा जी के साथ हैं और रामकृष्ण परमहंस तो स्वयं बाबा जी अवतार हैं, तो उनको पता है कि ऑलरेडी है ही बाबा जी के पास, तो फिर क्या। और आगे चल करके विवेकानंद जी उस चीज़ को कहीं पे उल्लेख करते हैं नहीं करते हैं वो अलग विषय हो जाएगा। और मेरा सौभाग्य रहा कि पवनहारी बाबा जी के परिवार से स्वामी आनंद कुछ साल पहले वलसाड़ पधारे थे, और हमारे नरेश भाई भट्ट हैं संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, उनके पास वो आए तो उन्होंने विवेकानंद की वो प्रतिमा वलसाड़ के अंदर देखी, तो उन्होंने पूछा यहाँ विवेकानंद का कोई व्यक्ति है जो काम करता है। उन दोनों मैं सफ़ेद वस्त्रों में था, तो नरेश भाई से मेरे बहुत अच्छे परिचय घनिष्ठ थे, तो उन्होंने कहा हाँ, तो बोले आप उनको फ़ोन करके बताइए, उन दोनों लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, मोबाइल नहीं, तो उन्होंने कहा आप उनको फ़ोन करके कहिए कि वो पवनहारी बाबा के परिवार से कोई आया वो आ जाएंगे मुझे मिलने के लिए। तो नरेश भाई को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि एक आदमी है जो इतना अमेरिका से आता है वो कहता है कि बस आप फ़ोन कर दो मिलने आएगा। उन्होंने स्वामी आनंद ने उनको कहा आप एक बार कॉल तो कर दीजिए। मुझे कॉल मिला, उन्होंने कहा कि पवनहारी बाबा के परिवार से कोई आया है स्वामी आनंद। मैंने कहा कहाँ रुके हैं, बोले मेरे पास। मैंने एक मिनट गंवाए बिना सीधे नरेश भाई के पास पहुंच गए, और उनके घर पर नरेश भाई तो थे ही, साथ में और भी भक्त थे, वो सब देख करके आश्चर्यचकित थे कि अननोन दो लोग हैं जो जीवन में कभी नहीं मिले लेकिन वो इस तरह से मिल रहे हैं जैसे जन्मों जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, वो प्यार है, वो एक खिंचाव है। हम इतने गले से
प्रेम से मिले कि मैंने कहा स्वामी जी यहाँ कहाँ रुके हुए हो, आप आश्रम चलो। उन्होंने कहा आज रहने दो, मैं कल आऊँगा। स्वामी आनंद अगले दिन अपने भक्तों के साथ, अभी भी वो अमेरिका में होंगे और उनका आश्रम होगा, कई भक्त उनसे जुड़े हुए हैं वहाँ पर, वो आए आश्रम पर। काफ़ी चर्चाएँ हुई, पवनहरी बाबा को लेकर के चर्चाएँ हुई और काफ़ी चर्चाएँ हुई। आज चूँकि विषय हमारा महाअवतार बाबा है, महाअवतार बाबा का प्रमाण मैं ये बता रहा हूँ कि वो तस्वीर जो रामकृष्ण परमहंस ने कही कि 150 साल तक आपको दिखानी नहीं है, मतलब इस तरह घोषणा मत करना कि यह महाअवतार बाबा की तस्वीर है। ये चीज़ योगानंद परमहंस जी जब अपने गुरु परंपरा से आते हैं, युक्तेश्वर गिरी और लाहिरी महेश्वर की यहाँ से, तो उनके साहित्य में आप पढ़ेंगे, गूगल करके देख लीजिए, वेरीफाई कीजिए कि अमेरिका के अंदर एक भक्त विवेकानंद जी से दीक्षा लेने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। उस शिष्य का जो टेम्परामेंट है वो महाअवतार बाबा जी से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो विवेकानंद जी उनको कहते हैं कि ऐसा करो, तुम्हारी दीक्षा देने के लिए कुछ साल बाद गुरु जी आ रहे हैं तुम्हारे, अभी तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। और विवेकानंद जी उनको दीक्षा नहीं देते हैं, ये बात योगानंद जी के ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई है। कुछ सालों के बाद, कोई ज़्यादा समय नहीं होगा, कुछ ही साल हैं, पहुँचते हैं योगानंद जी। और योगानंद जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो व्यक्ति वापस उनके पास आता है और वो कहता है कि मैं विवेकानंद जी से मिला था, विवेकानंद जी ने मुझे दीक्षा देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुरु अब आ रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको, मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है, संकेत हो रहा है या एक स्वप्न के इशारे से मुझे लगता है क्या। और योगानंद जी ने समय गंवाए बिना उनको दीक्षा दी। बाबा जी के कर्तव्यों पर, मतलब क्योंकि एक एलाइड क्लास उनसे जुड़ा हुआ है, महाअवतार बाबा जी से ही जुड़े हुए हेड़ाखान बाबा हैं और हेड़ाखान बाबा जी से जुड़े हुए बड़े हेड़ाखान बाबा भी हैं। फिल्म स्टार शमी कपूर जिन हेड़ाखान बाबा जी के शिष्य हैं, वो भी किस्सा पढ़ेंगे गूगल पे तो आपको आनंद आएगा, वो कहानी भी बड़ी अद्भुत है कि कैसे शमी कपूर हेड़ाखान बाबा जी की शरण में बैठते हैं। तो बाबा जी एक तो शरीर कभी भी बदल सकने में समर्थ हैं, तो ये जो फोटो आप दिन में देखते हो, आजकल जो वर्तमान में देखते हैं, ये योगानंद परमहंस जी द्वारा ध्यान में देखा हुआ, अर्थात मान लीजिए तिब्बत के अंदर श्रृंगला में या सिद्धपुर में जो उन्होंने देखा है उस आधार पर बना हुआ चित्रकला है। लेकिन असली फोटो बाबा जी की देखने का अगर आनंद हो तो मैं कहता हूँ रामकृष्ण परमहंस जी की फोटो देखिए और फिर बाबा जी की वो फोटो देखेंगे, आपको समीकरण समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो बाबा जी की जो फोटो हम अभी देख रहे हैं वो योगानंद परमहंस जी के द्वारा लोगों को दिया हुआ प्रसाद है, लेकिन बाबा जी की इच्छा नहीं थी उस समय कि ये कोई इस तरह से टेक्नोलॉजी की फोटो आए या बाबा जी इस तरह से लोगों के समक्ष जाएं। आज भी मैं जब कहता हूं कि उनकी इच्छा के बिना हम गीता भी क्लास नहीं कर पाए, आज जब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं तो उन्होंने कुछ चीज़ों के लिए हमें कहा कि ठीक, लेकिन उसमें बाबा जी की एक शर्त भी लग जाती है, बाबा जी की शर्त अनुबंध हो जाता है कि जैसे ही आप बाबा जी के विषय में बोलना शुरू कर देते हैं, बाबा आपको अपने स्थान से हिलाना बंद कर देते हैं, आप स्थान फिर छोड़ नहीं सकते, आपको अपने स्थान पर रहना पड़ेगा। और यही आप अगर आप देखोगे तो सत्य साई बाबा के साथ हुआ, यही आचार्य राम शर्मा जी के साथ हुआ, और जिनों जिनों ने भी बाबा जी के विषय में बोलना शुरू किया बाबा जी ने उनको रोक दिया, इंक्लूडिंग रामकृष्ण परमहंस भी अपने स्थानों से बाद में वो कभी छोड़ के गए नहीं, उसी स्थान पर रहना पड़ा। और ऐसे शिरडी के साईं बाबा हैं, मैं अनंत आपको उसकी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। पर ये सब चीज़ें मैं जब आपसे कहता हूँ कि बाबा जी की ये असली तस्वीर जिसको रामकृष्ण परमहंस, आज मैं गंभीरतापूर्वक आपसे कह रहा हूँ, तो उसका आशय यही है कि बाबा जी हैं, बाबा जी के कई चमत्कार हैं, लेकिन उन चमत्कारों से अभिभूत होकर के नहीं, बाबा जी जो संदेश देना चाहते हैं वो क्या है, वो आध्यात्मिकता है, वो क्या है, अपना सनातन धर्म है, बाबा जी क्या हमें प्रेरणा देते हैं तो मानवता की प्रेरणा देते हैं, बाबा जी क्या चाहते हैं हमसे, बाबा जी चाहते हैं कि कठोपनिषद वाला उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानिभूत, तो उठो जागो रुको मत अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, तो लक्ष्य क्या है, मनुष्य देह का लक्ष्य है अध्यात्म की उस चरम बिंदु को छूना। तो अपनी इस बाबा जी की कृपा का जो प्रसाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, महाअवतार बाबा जी की सीरीज़ का जो पहला आगाज़ मैं आज आपसे कर रहा हूँ, आज इसको यहीं विराम दूंगा। आपके क्वालिटेटिव जो क्वेरीज रहेंगी सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही मैं पढ़ता हूँ, 9106460919 पे ये नंबर से आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो, फ़ोन नहीं उठाते हम। आज इतना ही करके फिर बाबा जी का और कोई किस्सा आपके दूसरे अंक में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज इतना ही,
तब तक के लिए नमो नारायण, मिलते हैं स्वामी यो चैनल पे अगली बार।